जो पहला हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं हमारी वोकैबिक कलेक्शन में, पहला वर्ड है हमारा रिसर्जेंट। रिसर्जेंट वर्ड का मतलब होता है फिर से खड़े हो उठना, जैसे फिर उठ खड़े होना, रिसर्च करना। जैसे हम देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी जब हमारे कैप्टन थे तो हमने वर्ल्ड कप जीता था और इंडिया फिर से रिसर्ज कर गया, यानी कि फिर से खड़े हो गया। तो रिसर्जेंट का मतलब होता है फिर से खड़े होना। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट करने का मतलब होता है छटनी करना, यानी कि छांटना। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर यह अपने क्या कर रहा है, रिट्रेंचमेंट कर रहा है, यानी कि छटनी कर रहा है। नेक्स्ट हम कलेक्शन पढ़ रहे हैं हमारी, वो है रिट्रीव करना। रिट्रीव करना तो वापस पा लेना, किसी चीज़ को वापस पा लेने को बोलते हैं रिट्रीव करना। नेक्स्ट हम वर्ड पढ़ रहे हैं वह रेट्रोग्रेड करना, बीती बातों की जांच करना। इंग्लिश में रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, रेट्रो वर्ड का मतलब है पास्ट यानी कि बीता हुआ, और रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पुरानी बातों के ऊपर चिंता करना, ध्यान देना, जांच करना, ये सब रेट्रोग्रेड करना होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेवरब्रेट करना। रेवरब्रेट का मतलब होता है गूंजना। जैसे यहाँ पर देख सकते हो सचिन तेंदुलकर जी हैं और इनके लिए हर जगह से आवाज़ आ रही है सचिन 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 सचिन, तो रेवरब्रेट करने का मतलब होता है गूंजना। तो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, वी विल कवरिंग मोर ऑफ द वोकैबुलरी इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।